इसीलिए जब भी शादी करो सोच समझ के शादी करो। ये देखो लाइट की जरूरत नहीं है, देवी ना हर जगह से चमक रही है, हर जगह से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी। देखो मैं जैसे पूरी तैयार हूँ, मैं अपना काम छोड़ के बीच में आया हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। 3 बज रहे हैं, खाना भी नहीं खाया, सोचा कि ये टाइम है जहाँ पे साथ में मिलके खाना खाएंगे। गुरु साथ में मिलके खाना, लेकिन देवीना ने खा लिया, खाना खा लिया। मैं एक्चुअली मेरी गलती है, मैं लेट हो गया था। बट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ये टीका जब पहली बार कुछ अलग मैंने देखा है। हाँ, ये चंदन लगा। बट फ्रेंकली मैं आपको बताऊँ, देवीना पे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा टीका जो होता है रेड वाला, वो ज्यादा अच्छा लगता है देवीना पे। आज मैंने गुरमीत का फेवरेट मेकअप किया, ये आईज, टीका, सिंदूर, तो ये तुम्हारा मतलब गुरमीत का फेवरेट मेकअप है, जो कि बंगाली मेकअप है, बंगाली लुक। तो शायद गुरमीत को बंगाली ही पसंद है, इसीलिए मुझसे शादी किया। देवीना बंगाली वाला फील कम आ रहा है। हाँ, तो क्या आ रहा है? बिहारी वाला ये इसके लिए तो नहीं। हाँ, बट somehow you looking beautiful, मतलब something different, अच्छी लग रही है। हमारा वीडियो खत्म हो गया था, गुरु ने आके थोड़ा आते ही बोला कि जानबूझ के इतना लेट आया ना ताकि वीडियो खत्म हो जाए और उसके बाद तुम आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज पहली बार आप लोगों के सामने, इट इज लाइक योर थॉट्स थ्रू अदर पीपल। कितने लोग, दुनिया के लोग मतलब मुझे इतना गेस कर रहे हैं, दीदी बेटा होगा, दीदी मुझे तो लग रहा है बेटी। वाह, मुझे हाईलाइट अभी इसी से याद आया कि आज मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है दिल्ली में, अमन शर्मा, उसका आज ही सुबह सुबह मुझे मैसेज आया कि मुझे उसको सपना आया कि हमें बेटी हुई है। तो कैन यू इमेजिन, मतलब दोस्तों को भी सपना आ रहा है, दोस्तों को भी सपना आ रहा है कि क्या हो रहा है। तुमको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि बेटी होगी, बिकॉज आई डोंट नो, बीइंग अ गर्ल आई लव टू ड्रेस अप एंड यू नो लाइक आई डोंट नो, बट आई रियली लव, मतलब तुमको चाहिए बेटी? यस, मुझे चाहिए बेटी, कि अगर बेटी होगी तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हें? मुझे भी। वैसे तो जो भी हो हेल्दी हो, बट बेटी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आपकी तरह बहुत स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, लाइक मुंह पे कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आपको बेटी हो, बट बेटा भी होगा तो इट्स ब्लेस, बट इट्स माय पर्सनल। वाओ, तुम्हारे मुंह से दर्शक सुनना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है और आपको क्या चाहिए। एक्चुअली फ्रैंकली दिल से मैं बोलूं, एकदम यहां से, मतलब उसके भी पीछे है ना, यहां से बोलूं। हां, ये देखो बोल रहा हूं। बोलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा, पता ना, ऐसा लग रहा है डाई लेस। मैं एक्चुअली दिल से बोलना चाहता हूं, मुझे एक्चुअली बेटी चाहिए, क्योंकि समाओ पता नहीं, मुझे ऐसा, मैं देवीना चिढ़ाता भी हूँ कि बेटी होगी तो देवीना और बेटी उनकी एक टीम हो जाएगी, और हम तीनों के बीच में अगर लड़ाई होगी तो आई डोंट नो, लोग बोलते हैं कि लड़की जो बेटी होती है वो डैड के बहुत ही क्लोज होती है, पर समाओ मुझे ऐसा लगता है कि जो देवीना है और मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि उसको लग रहा है मैं मेरे टीम में, देवीना उसको अपनी टीम में लेने की, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मेरे टीम में हो। और बट ऑन ए सीरियस नोट, मुझे भी बेटी चाहिए, मेजॉरिटी यहाँ बेटी की, और सी लड़कियों का फेवरेट रहा हूँ यार, मुझे आज यहाँ पे हूँ तो इतनी लड़कियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इतनी सारी लड़कियों फैन है उनके बदौलत यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे भी बेटी चाहिए, मेरी भी एक छोटी सी फैन होनी चाहिए, वो मेरी बेटी। मुझे चाहिए तो बेटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेटियाँ जिस तरीके से अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं वो इट इज आउट ऑफ बियॉन्ड वर्ल्ड, उसका कोई कंपैरिजन कोई लड़का कर ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि मुझे पूरा कमरा ना गुलाबी सजाना है, मतलब इतना गुलाबी कि मतलब आपको कमरा देखे तो आपको शुगर हो जाए। दीदी अपना थॉट्स बता रही है। ये मेरा थॉट्स है। मतलब अगर गुरु ब्लू भी चाहते हैं पर वो सजेगा तो पिंक। मेरे घर पे तो जो अथॉरिटी है जो चलता है वो देवीना पे ही चलता है, जो देखना चाहते उसमें सब लोग हाँ हाँ कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ, कैसी हो देवीना जैसी हो। देवीना हमेशा मुझसे पूछती है लेकिन करती अपने मन ये कलर रखते हैं, मैं बोलूंगा ये नहीं, मुझे लगता है यही अच्छा है, जो देवीना को चाहिए वो देवीना कर ही लेती है। बट हम लोग एक्चुअली सोच रहे थे कि ब्लू या पिंक, क्या बच्चे के कमरे का लुक क्या होगा, लेकिन अभी तक
डिसाइड नहीं करते, हमें पता ही नहीं है, और हमें एक्चुअली पता चलेगा जिस दिन बेबी आएगा कि लड़का या लड़की। तो हमने देविना ने एक्चुअली बीच मीड वे में एक रास्ता निकाला हुआ है, ग्रीन ऐसा कुछ, लड़का आएगा उसको भी अच्छा फील होगा, लड़की आएगी उसको पर वो बहुत सही था। हमारे नेता कैसे हो वो बोलते हैं हमारे नेता। और ये दोस्तों को भी लगता है कि मेरा चलता है, जो लोग स्टार्टिंग में मिलते हैं उन लोगों को भी ऐसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मतलब गुरमीत चौधरी बहुत ही छुपे हुए रुस्तम है, मुझे बोलते तुम बात कर लो, कहीं नहीं जाना है तो, किसी को मिलना है तो हाँ मिलते ना, मिलते देवी ना, प्लान कर लो कर, हाँ फिर घर आके नहीं मुझे नहीं जाना, तुम कुछ बोल दो ना। लोगों को लगता है, मैंने कहा तुमने बोला अब मैं मना करूंगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ओह माय गॉड, अरे टुडे यू आर कॉट। इसीलिए मैंने उसको ग्रीन रखा है, क्योंकि आई एम ओपन विद एन, आई मीन वी आर ऑल ओपन विद एन विद टू वाइड आर्म्स, ताकि वो लड़का हो या लड़की हो इक्वल प्यार मिलेगा। ट्विंस भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, बट जो भी हो यार, जो भी हो, आप सभी दुआ करो कि वो हेल्दी हो और yes. बहुत ही वो हमारी प्रायोरिटी है। हम जो भी लड़का लड़की कर लें, हमें हमेशा, इनफैक्ट जितने भी सुनने वाले हैं यही रखें कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी अच्छे हैं, मुझे लगता है कि बस हेल्दी हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हाँ, उसी बात पे मैं बच्चे को गाना सुनाते सुनाते एपिसोड को खत्म करती हूँ। सुना कौन सा गाना? जो आपको पसंद हो। आमी चीनी गो चीनी तो मारे ओ गो विदेशिनी, तुमी था को सिंधु पारे ओ गो विदेशिनी, ओ गो विदेशिनी, तू आमनी आकाशे पातिया कान, शुनेछि तोमारी गान, आमी तोमारे शोपेछि प्राण, ओ गो विदेशिनी। आमी चीनी गो चीनी तोमारे ओरे विदेशिनी। इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिल्ली नाड़ी को एंड आल्सो गुरमीत चौधरी। गुरु भले मैं अपने उसमें वीडियो नहीं डालूंगा, मैं देखना चाहता हूँ बिना कुछ वीडियो डाल के भी आप क्या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं। ओ बाप रे, 1 मिलियन गुरु।